Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So while students, today we are going to discuss the question answers of our chapter number 4. That is my elder brother. So let's start with the very first question. What are the things that Munna liked to do? Munna ko kya karna pasand tha? Kya cheeze thi jo se pasand thi ya kis tarah ke khel the jo se khelna pasand tha? Munna liked to play with marbles, fly kites, play volleyball, kabaddi and drawing pictures of animals and birds. Munna ko marbles khelna pasand tha, patang udani pasand thi, volleyball khelna, kabaddi khelna aur pictures draw karna use pasand tha. Aur pictures kiski? Animals and birds ki. So what did bhaiya do all day? Bhaiya sara din kya karte the? भैया यूज्ड टू रीड बुक्स ऑल डे. भैया सारा दिन बुक्स रीड करते थे. व्हाई वाज मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम? अब मुन्ना इस टाइम टेबल से जो उसके भाई ने बनाया था उसके लिए, उसके भैया ने बनाया था, उस टाइम टेबल से खुश क्यों नहीं था? मुन्ना वाज नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम बिकॉज There was no time to play for it. अब यहाँ पे for it नहीं, for him आएगा. ठीक है, यहाँ पे for him करेंगे. मुन्ना was not happy. मुन्ना उस time table से जो उसके भैया ने उसके लिए बनाया था उससे खुश नहीं था, क्योंकि उसके according, इस time table के according उसमें खेलने का कोई time ही नहीं था. Next question is there. How do you think Munna when his brother was so strict with him? Munna ko kaisa lagta hai jab uska bhai uske sath bahut zyada strict hota hai? Why was bhaiya so strict with him? Aur uske bhaiya uske sath itne strict, itne gusse se kyun behave karte hain? So answer is there. Munna became sad and began to cry when his brother was strict with him. अब मुन्ना को क्या फील होता है जब उसके भैया उसके साथ स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं? कि वो उदास हो जाता है और रोना शुरू कर देता है. और ऐसा क्यों होता है कि भैया इतने स्ट्रिक्ट क्यों थे मुन्ना के साथ? भैया वॉज स्ट्रिक्ट विद हिम बिकॉज इट वॉज हिज ड्यूटी टू केयर दैट मुन्ना शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम. भैया इसलिए उसके साथ स्ट्रिक्ट होते थे क्योंकि ये भैया की ड्यूटी थी कि वो केयर करें इस बात की, इस बात का ख्याल रखें कि मुन्ना अपना टाइम वेस्ट ना करे. एंड ही वांटेड मुन्ना टू स्टडी हार्ड. और मोरओवर वो ये भी चाहते थे कि मुन्ना बहुत अच्छे से पढ़ाई करे. हुज कैरेक्टर डू यू लाइक मोर, मुन्नास और भैयास, एंड वाई? किसका कैरेक्टर आपको इस स्टोरी के अकॉर्डिंग अच्छा लगा, मुन्ना का या फिर भैया का? इन दोनों में से किसका कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा लगा और क्यों लगा, ये भी बताना है हमें. अब इसका आंसर जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं कि आपको मुन्ना का कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा लगा या फिर भैया का. तो यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो है कि आई लाइक भैयास कैरेक्टर मोर देन मुन्नास. मुझे भैया का कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा लगा मुन्ना से. इट सीम्स दैट भैया वॉज ए बुक वॉर्म. ऐसा फील होता है कि भैया जो है वो बुक वॉर्म है, मतलब किताबी कीड़ा है कि जो हमेशा ही बुक्स में घुसे रहते हैं, बुक्स रीड करते रहते हैं और किसी चीज़ की उन्हें खबर नहीं होती. स्टिल ही डिडंट पास हिज क्लासेस. बट फिर भी वो अपनी क्लासेस पास नहीं कर पाते हैं. बट इन फैक्ट भैया हैड मोर क्वालिटीज दैन मुन्ना. बट फिर भी अगर देखा जाए तो भैया में ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं मुन्ना से. एंड क्यों, कैसे ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं? क्योंकि वो बहुत ही सिंसियर बॉय था, है ना. भैया जो अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी ही इज़ अ वेरी सिंसियर बॉय. ही फेल्ट दैट मुन्ना वॉज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. उनको ये एहसास था कि मुन्ना जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेवारी है, जिम्मेदारी है. सो ही वॉज स्ट्रिक्ट विद मुन्ना बिकॉज ही लव्ड हिम. और मुन्ना के साथ वो स्ट्रिक्टली बिहेव भी करते हैं. बट क्यों बिहेव करते थे ऐसे स्ट्रिक्टली? बिकॉज ही लव्ड हिम, क्योंकि वो उसे प्यार करते थे. दो भैया वॉज नॉट गुड एट स्टडीज बट ही हैड मोर एक्सपीरियंस. अब चाहे भैया अपनी स्टडीज में इतना अच्छे नहीं थे, हर साल पास नहीं हो पाते थे, बट ही हैड मोर एक्सपीरियंस. बट एज उनकी एज ज़्यादा थी मुन्ना से, तो इसलिए उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी ज़्यादा था.
सो इसलिए मुझे जो है वो मुन्ना का कैरेक्टर, सॉरी मुन्ना के भैया का कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा लगा है। और अगर हम लिखना चाहते हैं कि मुन्ना का कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा लगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे कि मुन्ना इज़ अ फन लविंग एंड ही ऑलवेज गेट पास मार्क्स इन द क्लास एंड ही मोर ओवर ही टॉप्ड इन द क्लास ऑल्सो। ही इंजॉयड द लाइफ फुली और पूरी तरह से अपनी लाइफ इंजॉय करता है और पास भी हो जाता है एंड सो ऑन। दिस काइंड ऑफ थिंग्स हम लिख सकते हैं। और वो फन लविंग है, हर तरह के खेल को इंजॉय करता है, टाइम वो प्ले के लिए भी टाइम लेता है और पढ़ाई भी करता है और अच्छे मार्क्स से पास भी हो जाता है। सो इस तरह से अगर आपको मुन्ना का कैरेक्टर अच्छा लगता है, तो यू कैन राइट ऑल दिस गुड क्वालिटीज़ ऑफ मुन्ना ऑल्सो। एंड विद दिस आर ऑल क्वेश्चंस आप कम टू एन एंड। आई होप यू आर वेल अंडरस्टूड इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।